बिल्ली बिल्ली क्या खाया है? मेरी मोटी बिल्ली ने क्या खाया? मोटी बिल्ली के कान पे ये देख इन्फेक्शन हो रहा है, बम्बू से पायोडीन लगाने लगे अच्छा, हैं। मुझसे ना, मैंने वैसे अभी तक बनाई नहीं है फंगल इन्फेक्शन पे वीडियो, लेकिन अगर जो लोग पूछते हैं ना, वैसे मैं आपको बता रही हूँ, ये मैंने बॉक्स खोला है तो मेरे सामने ये क्रीम आ गई है। आप ये वाली क्रीम जो है ना, ये लगा सकते हैं जहाँ जहाँ फंगल इन्फेक्शन हुआ होता है ना उसके ऊपर। हमारी बस मिस मैगी को हुआ था तो इसी क्रीम ने ठीक किया डेनी को है। भी हुआ था, और आपने ना इसको बस कैट को लीक नहीं करने देना। वैसे मैं एक प्रॉपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, बस इंशाल्लाह जल्दी, लेकिन आप ये क्रीम लगा सकते हैं, ये देख लें आप। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपको कल मेरे ब्लॉग का इंतज़ार था, तो मेरा ब्लॉग इसलिए नहीं आया क्योंकि कल थी हमारी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। अच्छा, एनिवर्सरी तो हमारी 24 को होती है, लेकिन कुछ फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो 24 को अवेलेबल नहीं थे, तो फिर इसीलिए हम लोगों ने एक दिन पहले ही सेलिब्रेशन कर ली। तो अभी मैं आपके साथ, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने शादी के एल्बम्स, आपको शादी की पिक्चर्स दिखाऊंगी, और आप लोग सॉन्ग, मैंने आपसे पूछा था कि आप सॉन्ग्स देखना चाहते हैं, तो आप सब विलिंग थे देखने के लिए। तो मैंने जो शादी के सॉन्ग्स हैं, मैंने एक्चुअल सॉन्ग जो उसके ऊपर लगा था एक्चुअल साउंड के साथ, मैंने वो अपने दूसरे चैनल पर अपलोड किए हैं, रिदा फ़ज़ैल ब्लॉग्स पे, क्योंकि उनके उसमें सॉन्ग्स लगे हुए हैं, तो वो मैं अपने इस चैनल पर अपलोड नहीं कर सकती क्योंकि फिर कॉपीराइट क्लेम आ जाता। लेकिन रिदा फ़ज़ैल वाला जो चैनल है वो अभी तक मेरा नहीं हुआ है मोनिटाइज, तो मैंने वहाँ पे डाल दिया है। मे बी मैं वो वीडियोस बाद में डिलीट कर दूँ, लेकिन मैंने दोनों सॉन्ग्स अपलोड कर दिए हैं और लिंक भी दे दिए डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके लाजमी देख लें। और इधर बिल्लू जो है, इसने अपने कान को खुद ही स्क्रैच किया हुआ था, तो मैं इसको पायोडीन लगा रही थी, पायोडीन से ये एक दिन में ही इसका जो ज़ख्म है वो ठीक हो जाएगा। और ये बिल्लू के साथ जोए बैठी हुई है, लाडली बिल्ली है, बड़ी खुश रहती है हमारे पास, ये आज से हमारे पास ही सोएगी। इसकी एयर क्लीनिंग करनी है रात को ये हमारी करें। मिस मैगी की मम्मा इसकी एयर क्लीनिंग करनी रात है। को। बिल्लू देखें इसको, इसका नाम कैसे रटा हुआ है। बिल्लू, आपके काके कब आएंगे? आपके काके कब आएंगे? मुझे आपके काके चाहिए बिल्लू, आप जैसे पाली पाली सी। एक तो वो बिल्लू के और नोरी के दोनों के होंगे ना। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, दुबाने वाला है। उसे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। अच्छा बिल्कुल साशा पे गया है ना माँ इसका। जैसा। बात सुनो, इसका अगर नाक पीला ना हो ना तो बिल्कुल साशा लगे। इसको इसको साशा को साथ बिठाओ तो पता भी नहीं चलेगा साशा कौन है बिल्लू कौन इसके है। जो कानों का, नोज का और ये बाजू का कलर मफिन पे गया है ना, अपने बाप पे गया है, और वैसे शक्ल माँ जैसी है, फिजिक भी माँ जैसी बिल्कुल है। माँ घड़ा घड़ाया माँ की कॉपी है। और ये किसकी कॉपी है? ये किसी की भी कॉपी नहीं है, ना अपनी माँ जैसी है ना अपने बाप जैसी है। इसके बच्चे इसकी कॉपी हैं। अपने बाप जैसी लगती है, लेकिन बाप बहुत बड़ा है इसका, ये कुछ छोटी सी है। ये बिल्लू की जो एक आंख बंद रहती है ना, इसका यही कान में ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इसको ना एयर क्लीनिंग होने वाली है इसकी। ओ ये हैं जी मेरे शादी के दोनों एल्बम्स। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको दिखाऊंगी, तो मैं अब आपको अपने एल्बम्स दिखाती हूँ शादी के। अच्छा, एक तो फैमिली एल्बम है, वो तो फिर मैं पूरा नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि उसमें सारी फैमिली की लेडीज़ की भी पिक्चर्स हैं, लेकिन जो हमारा है वो मैं आपको पूरा दिखाऊंगी। मैं ये बैग खोलूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ये हैं जी हमारे दोनों एल्बम्स, ये हैं मेरा और फ़ज़ैल का एल्बम जिसमें हमारा बारात और वलीमे का जो भी शूट था, तो उसकी सारी पिक्चर्स हैं यहाँ पर। ये हम दोनों हैं, और ये है हमारा जो वेडिंग सेरेमनी का जो फैमिली एल्बम होता है ना, जिसमें फैमिली पिक्चर्स होती हैं, ये वो है। तो अब मैं ये खोलती हूँ और आपको अपनी शादी के पिक्चर्स दिखाती हूँ। ये ड्रेस देखे मेरा कैसा था।
ये स्टार्ट होता है बारात का डे, और बारात वाले दिन ना मेरा ही शूट हुआ था, कपल शूट नहीं हुआ था क्योंकि मेरी बारात ये लोग अटक से लाए थे और ये बहुत लेट हो गए थे फजाइल वगैरह। ये मेरी लुक है बारात की, और जो मेरा ड्रेस कॉम्बिनेशन था डार्क मेरून दुपट्टा था और ब्राउन कलर का मेरा ड्रेस था, क्योंकि मैं ना वो टिपिकल रेड कलर नहीं पहनना चाहती थी, तो इसीलिए मैंने फिर इस कॉम्बिनेशन में ड्रेस बनवाया था। और आपको एक मज़े की बात बताऊं, मैंने अपना शादी का हर दिन का मेकअप जो है ना मैंने खुद किया था, मैंने किसी सैलून से तैयार नहीं हुई थी, मैं खुद तैयार हुई थी। मेरी हेयर स्टाइलिंग, मेरा ओवरऑल मेकओवर जो है वो मैंने खुद ही किया था। इस पे लाइट आ रही है, आप देखें इस पिक्चर को। ये वाली मुझे अपनी पिक्चर बहुत अच्छी लगती है। और मैंने ना अपने जो ड्रेसेस बनवाए थे, तो बारात का ये जो मेरा ड्रेस था ना, इसको मैंने ना सरप्राइज रखा हुआ था। ये मैंने किसी को भी नहीं बताया था कि मैंने कौन से कलर में ड्रेस बनवाया है, कैसा बनवाया है। तो मेरे सारे इन लॉज के लिए ना ये सरप्राइज था, और जब वो आए थे तो उन्होंने मुझे देखा था और सबको बहुत अच्छा लगा था ये ड्रेस मेरा, और मेरी सारी लुक बहुत अच्छी लगी थी। आपके साथ मैं अपने सॉन्ग्स भी शेयर करूंगी। और यहाँ से अब स्टार्ट होता है वलीमे का जो शूट था, वो स्टार्ट होता है। वलीमे का ड्रेस भी मैंने खुद ही बनवाया था, मैक्सी बनवाई थी ये। ओकाड़ा से अटक का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, और नेक्स्ट डे ही वलीमा था। तो लेकिन ना ये जो हमारा शूट हुआ था, ये आउटडोर शूट हुआ था हमारा, लेकिन ये वलीमे वाले दिन नहीं हुआ था। मैं वलीमे के बाद 1 वीक के बाद मैं दोबारा तैयार हुई थी, और ये तब ये शूट हुआ था, क्योंकि उस दिन बिल्कुल टाइम नहीं था। हम लोग इतना लंबा सफ़र करके गए हुए थे और रात को ही वलीमा था, तो हमारे पास इतना टाइम ही नहीं था कि हम उस दिन आउटडोर शूट के लिए जा पाएँ। यहाँ पे आपको फुजैल का जो ये कलर जो है ड्रेस का लग रहा होगा, 3 पीस का जो कलर है, ये आपको लग रहा होगा कि ये ब्लैक है, ये ब्लैक नहीं है, ये ना ग्रीन सा कलर था, बड़ा प्यारा सा। ये हमारी बहुत प्यारी पिक्चर है, ये देखें, शायद आपको यहाँ पर आइडिया हो कि क्या कलर था।
ये वाली हमारी बहुत प्यारी पिक्चर है। अभी मैं आपको अपनी मेहंदी की लुक भी दिखाती हूँ कि मैं मेहंदी पे कैसी लग रही थी। बस जी, ये एल्बम तो हो गया ख़त्म हम दोनों के शूट का, और अब इसमें से आपको देखती हूँ क्या कुछ दिखाने वाला है। अच्छा, मैं बाकी तो पूरा एल्बम आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि फैमिली पिक्चर्स हैं अंदर। तो ये देखें, एक मिनट, ये है मेरी मेहंदी की पिक्चर और ये मेरी नानू है। मेहंदी पे मैं ऐसी लग रही थी, ये भी मेहंदी के लुक है। और ये फुजैल की मेहंदी की पिक्चर। ये मेरी पिक्चर्स हैं मेहंदी की, और ये मेरी और मामा की पिक्चर है, ये मामा और नानो है। अब ये बारात की आ जाती हैं, ये फुजैल हैं और अब्बू हैं, फुजैल के अब्बू जो मेरे ससुर हैं, ये वो हैं। और ये बारात की जब एंट्रेंस हुई थी मेरी, मैं स्टेज पर आ गई थी, ये उस टाइम की पिक्चर है ये हम दोनों की। यहाँ पे फुजैल अपने दोनों भाइयों के साथ और मैं अपने दोनों भाइयों के साथ आई थी। यहाँ पे मेरे भाई कितने छोटे छोटे हैं ना, अब कितने बड़े हो गए माशाल्लाह। ये मम्मा जो हैं फुजैल को रिंग पहना रही थी। वलीमे की पिक्चर, जब हम हॉल में चले गए थे तब की पिक्चर है। ये मेरे वलीमे की पिक्चर्स हैं जो हम लोग आउटर शूट के लिए गए थे तब की है। ये मेरे दोनों देवर के साथ है, दो देवर हैं मेरे, तो ये उनके साथ मेरी पिक्चर। ये है जी, और ये है मेरे और फुजैल की। बस ख़त्म हो गया एल्बम। तो ये थी हमारी शादी की सारी पिक्चर्स। तो ये सॉन्ग्स हैं ना शादी के, तो वो मैं कैट्स प्लैनेट पर तो अपलोड नहीं कर सकती अभी, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर कॉपीराइट आ जाएगा, क्योंकि उन पर सॉन्ग्स लगे हुए हैं और मैं चाहती हूँ कि आप ना एक्चुअल साउंड में वो सुने जो एक्चुअल सॉन्ग उसके ऊपर लगा हुआ है। तो इसलिए मैं रिदा फुजैल व्लॉग्स के ऊपर अपने दोनों सॉन्ग्स जो हैं अपलोड करूँगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, आप वहाँ जाकर मेरे सॉन्ग्स देखें, क्योंकि वहाँ वो मेरा चैनल अभी मोनिटाइज नहीं हुआ हुआ है, तो इसलिए वहाँ पर मैं वो सॉन्ग्स डालूंगी एक्चुअल साउंड के साथ। तो आप वहाँ पे जाके ज़रूर देखिएगा, और एल्बम्स मैं आपको आज यहीं पे शेयर कर रही हूँ। तो बस आज का जो ये छोटा सा व्लॉग और वीडियो जो है यहीं पर एंड करते हैं। मुझे बताइएगा कि आप सबको कैसी लगी हमारी पिक्चर्स शादी की। मिलूँगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, और कल मैं आपके साथ शेयर करूँगी हमारा एनिवर्सरी व्लॉग। तो अल्लाह हाफिज़।